हेलो दोस्तों, हम अपना जो टॉपिक है फिलिप्स लार्किन का द चर्च गोइंग, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अभी तक दो पैराग्राफ देख लिए, जिसमें हमने देख लिया था कि जो एटीट्यूड है, जो राइटर का, जो पोएट का जो एटीट्यूड है, वो इररिवरेंशियल एटीट्यूड है। वो रिस्पेक्ट नहीं है चर्च के लिए, और मतलब चर्च की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, या चर्च जो है वो वर्थलेस है, एज ए कॉमन प्लेस है। लेकिन हम थोड़ा सा शिफ्ट देखते हैं राइटर के, पोएट के एटीट्यूड में। थर्ड पैराग्राफ में, येट स्टॉप आई डिड, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। ठीक है, ये प्लेस मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कैजुअल एक नॉर्मल प्लेस है, लेकिन फिर भी आई स्टॉप है। इनफैक्ट आई ऑफन डू, मैं इसको कई बार करता हूँ। एंड ऑलवेज एंड मच एट अ लॉस लाइक दिस, और मैं हमेशा लॉस में रहता हूँ। लॉस में मतलब खोए खोए सा रहता हूँ, कुछ दुविधा में रहता हूँ। वंडरिंग व्हाट टू लुक फॉर, मैं मतलब देखना क्या चाहता हूँ मैं। वो हमने देखा था कि वो अंदर आके उसने कई चीज़ों पे हाथ लगाया था, कई चीज़ें पढ़ी थी उसने, किताबें वगैरह पढ़ी थी, पर मैं फिर भी वंडरिंग व्हाट टू लुक फॉर, क्या देखना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। वंडरिंग टू व्हेन द चर्च फॉल्स कम्प्लीटली आउट ऑफ, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जब ये चर्च है ये कम्प्लीटली आउट ऑफ यूज़ हो जाएगा, क्योंकि जो लोगों का रिलीजियस फीलिंग है वो कम हो रही है। हमने देख लिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दैट इन डिस्ट्रक्शंस के बाद, उनकी जो रिलीजियस फीलिंग थी उसमें कमी आ रही थी। तो व्हेन चर्च फॉल्स कम्प्लीटली आउट ऑफ यूज़, व्हाट वी शैल टर्न देम इनटू, हम चर्च को किस चीज़ में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि एक बार जब वो कम्प्लीटली हट जाएंगे। इफ़ वी शैल कीप अ फ्यू कैथीड्रल्स क्रॉनिकली ऑन शो, और क्या हम कुछ चर्च को रख देंगे ऑन शो, शो के लिए रख देंगे कि भाई हम उसको म्यूजियम के रूप में एक तरीके से बना देंगे, कि आने वाली जनरेशन जो है वो देखेगी कभी ये चर्च हुआ करते थे। दे पार्चमेंट, पार्चमेंट का मतलब हो गया जैसे कोई किताबें टाइप की, इस टाइप की इंपॉर्टेंट पुरानी किताबें। द प्लेट, कोई रिलीजियस प्लेट्स वगैरह होंगी, ब्रास की प्लेट। पिक्स, पिक्स का मतलब हो गया एक ब्रास का टम्बलर हो गया जिसमें कि सेक्रेट ब्रेड रखी जाती है। इन लॉक्ड केसेस, क्या हम इनको लॉक्ड केसेस में रखेंगे म्यूजियम की तरह, ताकि लोग इसको देख सके। एंड लेट द रेस्ट, और बाकी की जो चर्च है, कुछ चर्चों को तो हमने बना दिया म्यूजियम, बाकी की जो रेस्ट है उनको रेंट फ्री टू रेन एंड शीप, हम उनको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे ताकि धीरे धीरे करके उन दरवाजे वगैरह टूट जाएंगे, ऊपर से पानी टपकने लगेगा रेन के लिए, एंड शीप वहाँ पे आके घूमती रहेंगी, अपनी चरती रहेंगी। शैल वी अवॉइड देम एज अनलक्की प्लेसेस, क्या हम, क्योंकि अब हमारी रिलीजियस फीलिंग कुछ टाइम बाद तो चली जाएगी, तो हम कहेंगे कि यार ये अनलक्की प्लेस है। और यहाँ पे फिर ये कंटिन्यू कर रहा है हमारे फोर्थ पैराग्राफ में, जो कि बता रहा है सुपरस्टिशियस किस तरीके से लोग बन जाएंगे, अब अनलक्की प्लेस हो गया। और आफ्टर डार्क विल डूबियस वुमन कम, कुछ वुमन्स जो कि डूबियस डाउटफुल वुमन्स होंगी, जिनके मन में कुछ डाउट होगा, वो आएंगी टू मेक देयर चिल्ड्रन टच अ पर्टिकुलर स्टोन, अपने जो चिल्ड्रन उनके जो चिल्ड्रन होंगे वो बीमारी वगैरह से ग्रसित होंगे, तो वो कुछ एक पर्टिकुलर जो यहाँ पे स्टोन होगा उसको टच करने के लिए आएंगी, ताकि उनके जो बच्चा है वो ठीक हो जाए। यानी हम देख सकते हैं सुपरस्टिशियस जो वो है एटीट्यूड, वो हावी हो जाएगा लोगों पे, क्योंकि अब रिलीजन जो है वो चला गया। या पिक सिंपल्स फॉर अ कैंसर, या कुछ लोग आएंगे जो सिंपल्स का मतलब होता है हर्ब, हर्ब्स को, कुछ हर्ब्स को चुनने के लिए आएंगे, ताकि कैंसर उसकी दवाई खा सके, ताकि उनका कैंसर ठीक हो सके, या इस जैसी बीमारियां ठीक से हो सके। और ऑन सम एडवाइस नाइट, और कोई उन लोगों को एडवाइस कर रहा होगा नाइट को कि सी वॉकिंग अ डेड वन, क्योंकि अब चर्च है, चर्च में ग्रेवयार्ड्स भी होते हैं, तो तुम यहाँ पे आके जो जो लोग मर चुके हैं उनको चलते हुए देख सकते हो। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि चर्च जो है अब वो एक हॉन्टफुल प्लेस बन गई, भूतों का अड्डा बन गया, क्योंकि आपको याद नहीं रहा यहाँ पे। ठीक है, सुपरस्टिशियस फीलिंग हावी हो गई है, और कोई एडवाइस कर रहा है, कौन एडवाइस कर सकता है, इसको आगे देखते हैं। पावर ऑफ सम सॉर्ट और अदर विल गो ऑन, पावर जो है वो कुछ पावर तो चलती रहेगी, लेकिन अब ये पावर क्या हो जाएगी, इन गेम्स, इन रिडल्स, सीमिंगली एट रैंडम। अब क्या है, जैसे हम देख सकते हैं कि ये चर्च जो है या रिलीजन जो है वो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से मतलब है कि यहाँ पे एक डिसिप्लिन होता है, आप संडे को चर्च में जाते हो, ठीक है, एक कम्युनिटी होती है, सब मिलजुल के रहते हो, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। लेकिन अब वो चला गया, अब क्या बात हो रही है इन गेम्स में, इन रिडल्स में। जैसे हम देख सकते हैं जिप्सी वगैरह जो लोग हैं, जो जिप्सी लोग हैं वो डाइस में लेते हैं, डाइस मतलब पासा फेंकते हैं, और उससे आपको भविष्य बताते हैं, या क्या होगा, रिलीजन बताते हैं कि क्यों बीमारी हो रही है। पैरट्स जो है वो आपको भविष्य बताता है। तो इस टाइप का जो चीज़ें हैं वो हावी हो जाएंगी, क्योंकि अब ऑर्गेनाइज रिलीजन चला गया है गेम्स में, अब रिडल्स में, अब सीमिंगली रैंडम चीज़ों में बातें हो रही है। डिसिप्लिन, रिलीजन का डिसिप्लिन, रिलीजन का ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजन की कम्युनिटी, अब वो सब चीज़ें चली गई हैं, क्योंकि चर्च चला गया, क्योंकि रिलीजन चला गया। बस सुपरस्टिशंस लाइक बिलीफ मस्ट डाई, पर एक टाइम ऐसा भी आएगा जब सुपरस्टिशन भी चला जाएगा, जैसे कि बिलीफ या रिलीजन चला गया है,
एंड व्हाट रिमेन्स व्हेन डिसबिलीफ हैज़ गॉन, क्या बचेगा जब डिसबिलीफ या सुपरस्टिशन भी चला गया। रिलीजन तो ऑलरेडी ऑलरेडी चला गया, अब डिसबिलीफ भी चला गया यानी सुपरस्टिशन भी चला गया। ग्रास बचेगी उस चर्च में, वीडी पेवमेंट, पेवमेंट्स क्या होता है जहाँ पे हम पैदल चलते हैं, पर क्योंकि अब कोई पैदल चल नहीं रहा है चर्च के रास्ते में तो अब वो क्या वीडी हो गया, वहाँ पर ग्रास उग गई है। ब्रैम्बल्स, ब्रैम्बल्स का मतलब क्या होता है, श्रब्स विथ थॉर्न्स, तो वो झाड़ियाँ उग गई हैं यहाँ पे। बटरेस का मतलब क्या होता है, जो चर्च की दीवारें हैं उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ और हमने पत्थर वगैरह लगाए होंगे, लेकिन अब क्या वो दीवारें तो गिर गई हैं लेकिन वो बटरेस जो है वो सपोर्ट करने के पत्थर वो बचे हुए हैं, और स्काई, और खाली स्काई बची हुई है। ठीक है, तो अब चर्च में कोई नहीं आ रहा क्योंकि रिलीजन चला गया, पर अब जो सुपरस्टिशियस लोग हैं वो पत्थर लेने के लिए या अपने बच्चों को लेने के लिए या कुछ मंत्र करने के लिए वो भी नहीं आ रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो सब कुछ चला गया। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट होता है ख़त्म। अब आगे बाकी के तीन जो पैराग्राफ है हम सेकंड वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।